भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ आदर ना हो वहाँ कभी जाना मत, जो सुनता नहीं उसे कभी मनाना मत, जो पछता नहीं उसे कभी खाना मत, जो सत्य पर रूट जाए उसे कभी मनाना मत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो जिन लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, उसको ऑल करके रखिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आप लोग के पास टाइम टू टाइम पहुँच जाएगा। और जिन लोग पुराने दोस्त हैं उन लोग को मैं बताना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और लाइक बहुत ही कम आता है दोस्तों, प्लीज़ लाइक दीजिए, उससे क्या है हम लोग का एनर्जी आता है कि जो वीडियो हम लोग बनाते हैं उसके पीछे जो मेहनत करते हैं उसके लिए थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है। तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। और आप लोग को किस टाइप का वीडियो देखना है वो भी थोड़ा सा बताइएगा ज़रूर, थोड़ा सा किस बारे में भी जानकारी लेना है वो भी थोड़ा बताइएगा ज़रूर। तो आज मैं स्मूदी के लिए क्या कर ली हूँ, ड्राई रोस्ट किया हुआ ओट्स, इसके साथ ना किशमिश एक दो ठो था वो भी ले ली हूँ, बनाना और उसके साथ ये फल्ली। तो मैं इस फल्ली को ड्राई रोस्ट करूँगी, कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट हो गया है, मैं इसके साथ ओट्स को भी ड्राई कर लेती मगर मेरा ड्राई रोस्ट किया हुआ है इसीलिए मैं इसको ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी, बस इसी को ड्राई रोस्ट करूँगी, उसके बाद इसको निकाल लूँगी। तो मैं अभी एक एक करके इसके अंदर डालूँगी। तो इसके अंदर मैं डालूँगी अभी, जिनको दूध डालना है तो दूध डाल सकते हो, मेरा थायराइड है इसलिए दूध नहीं डालूँगी, इसलिए मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। और मीठे के तरीके से मैं मीठा नहीं खाती हूँ इसीलिए मैं बनाना का जो मीठा से उसी में हो जाता है मेरा। और अगर आप लोग को इच्छा होगा तो आप लोग इसके अंदर खजूर भी डाल सकते हो, या आप लोग का मर्जी शुगर भी डाल सकते हो या गुड़ भी डाल सकते हो, मेरा तो इसी में हो जाता है। तो मैं इसी में इसको पीस लूँगी अभी इसको। तो इधर मेरा हो गया है पीसना, तो अभी इसके अंदर मैं डालूँगी बन गया मेरा स्मूदी, ठीक है। एक ग्लास पीने से मेरा आज का ब्रेकफास्ट हो जाएगा स्मूदी, मेरा बहुत ही फेवरेट स्मूदी है और मैं काम इजी हो जाता है स्मूदी मतलब बनाने में। तो चलिए मैं आपको अभी इसको मैं फिनिश कर, तो चलिए तब तक मैं इसको फिनिश कर लूँ। तीन दिन से लगातार पानी गिर रहा है लगातार, तो इस वजह से कल थोड़ा सा धूप निकला था करके थोड़ा सा मतलब एक घंटा भी नहीं हुआ थोड़ा सा धूप निकला था, तो इसीलिए मैं उसको कपड़े को मैं बाहर डाली थी, उसके बाद फिर से मैं अंदर कर दी हूँ, क्योंकि ना हर टाइम बूंद बूंद तो गिर ही रहा है, ऐसा लग रहा है बरसात आ गया है, कोई बोलेगा नहीं ये गर्मी का मौसम है। तो देखिए पानी कैसे जमा हो रह गया है, ये छत से पानी कभी पास ही नहीं होता है पता नहीं क्यों, मगर ये पानी की वजह से ना घर में डैमेज होते जा रहा है। सीढ़ी से उठ के आई हूँ ना, सीढ़ी थक गई, सॉरी हाँफ रही हूँ। चलिए कपड़ा डाल देती हूँ, कम से कम मतलब पानी तो झड़ जाए उसके बाद
रात को इधर डाल दूंगी ना, सूख जाएगा। ये जो रात का कपड़ा है पूरा सूख जाता है, इसको उठा लेती हूँ, सूख जाता है। तो चलिए तब तक मैं कपड़ा डाल देती हूँ। उस दिन आया था ये एयरटेल का छतरी लगाने। अभी भी फूल हो रहा है। खिड़की को खोलने से ना इधर का जो गैस है वो निकल जाता है। तो चलिए, ये तो पूरा मेरा कपड़ा सूख गया है। और ये सीढ़ी से ना पैर को दबा के अगर नहीं नीचे जाओगे तो मैं इसमें 2-3 बार मैं गिरी हूँ ये सीढ़ी से। इतना खतरनाक है ना सीढ़ी ये भी, और इधर से गाड़ी उठाने वाला वो सीढ़ी भी, मतलब तो पैर को बहुत दबा के और इसको पकड़ के नीचे उतारना पड़ता है, नहीं तो बस फटाक से गिरता है। और मैं तो 2-4 बार तो गिर ही चुकी हूँ, कमर में लग गया था, 2 दिन बेड रेस्ट थी मैं। एक बार हस्बैंड का जो गाड़ी है उसको एक बार उस तरफ मतलब घिसटना पड़, मतलब उस तरफ लेके जाना पड़ता है, और भैया का गाड़ी इधर रहता है, और भैया का गाड़ी जैसे निकल के चले जाता है ना तो फिर इधर मैं लेके आ जाती हूँ, क्योंकि सीढ़ी में जाना आना प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे करते रहते हो सुबह शाम। ये देखिए इधर का सीढ़ी, देखो इधर का सीढ़ी जो है ना, मैं तो 2-4 बार गिर ही चुकी हूँ उसी में, इतना ढलान है, देखिए कितना ढलान। पैर रखने के लिए ना बहुत मतलब सोच समझ के पैर रखना पड़ता है, नहीं तो कभी भी गिर जाओगे। ये गेट अलग से, और रूम में जाने के लिए गेट अलग से, और भी रूम अलग से दिया गया है। तो अभी हो गया है मेरा नहाना धोना, तो अभी मैं जाऊंगी पूजा करने। एक्सरसाइज करने के बाद इतना पसीना पसीना हो गई थी, तो उसके कारण थोड़ा सा हवा में बैठ के उसके बाद ही अभी नहा धो के बहुत अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग गाइज। तो देखिए दोनों जन मिल के अभी हॉरर मूवी देख रहा है, दोनों के दोनों से ढक के, अपने आप को ढक के अभी हॉरर मूवी देख रहा है। तो बाबू तो डर भी रहा है और मूवी भी इंजॉय कर रहा है। और मूवी देखने के बाद कितना रोया है पता है आप लोग को, थोड़ा सा डर गया था। तो अभी इवनिंग में हम लोग थोड़ा सा आए घूमने के लिए, और हम
हम लोग थोड़ा सा बंगाली मिठाई की दुकान में खड़े थे क्योंकि बारिश हो रहा था, इस वजह से हम लोग को रुकना पड़ा। तो आके बंगाली मिठाई की दुकान में आके रुके थे। तो बाबू को थोड़ा सा मिठाई खाना था, वो मिठाई खा रहा है, छोटा छोटा रसगुल्ला। उसके बाद हम लोग सीधा चले गए, कुछ काम की वजह से जाना था इसीलिए हम लोग गए थे मोबाइल दुकान। उधर से और एक जगह जाना था मगर बारिश की वजह से जाना नहीं हो पाया। तो मोबाइल की दुकान से हम लोग निकल के फिर रोड के तरफ आ गए घर जाने के लिए। तो चलिए गाइस, और वीडियो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। চলে আসো ভাই, তাই ভালো হবে। কে নিয়ে আসবে, আবার দিয়ে আসতে হবে খাইয়ে দাইয়ে। ওকে যদি বলো রুটি, রুটিও করে দিতে পারি।
ফোন বিক্রি করতে এসেছিল, বলছে বিল নিয়ে এসো, বলছে হ্যাঁ, তবুও লোকটা দিল না ওকে, বলছে নতুন ফোন কিনবো, বলছে না তা দৌড় না।